प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, पीएम की कलाई पर बच्चों ने बांधी राखी। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखाई दिए स्कूली बच्चे, पीएम मोदी ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। गांधीनगर में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महिलाओं ने सीएम को बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर अभिनेता सनी देओल ने थिएटर में बंधवाई राखियां, बहनों के लिए उमड़ा गदर 2 के तारा सिंह का प्यार। उदयपुर के मिनिएचर आर्टिस्ट इकबाल सक्का ने बनाई दुनिया की सबसे छोटी गोल्ड राखी, स्वर्ण शिल्पकार इकबाल के नाम दर्ज है कई रिकॉर्ड। आज देशभर में मनाया जा रहा है धूमधाम से भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन, चारों ओर दिख रही है त्यौहार की रौनक। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर कर रही हैं उनकी लंबी उम्र की कामना, भाई बहनों को गिफ्ट के साथ दे रहे हैं रक्षा करने का वचन। बाजारों में भी दिख रही है रक्षाबंधन त्यौहार की चमक, राखी से लेकर मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर लगी है खरीदारों की लंबी कतारें। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी बहनों को दिए जा रहे हैं तमाम तोहफे, केंद्र ने कम किए एलपीजी सिलेंडर के दाम। कई राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए महिलाओं को सरकारी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सेवा, एमपी में सीएम शिवराज ने बहनों के खातों में भेजे 250 रूपये। उज्जैन में रक्षाबंधन पर्व पर सबसे पहले महाकाल को बांधी गई राखी, सुबह की भस्म आरती के साथ की गई शुरुआत, दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। महाकालेश्वर में बाबा महाकाल का किया गया दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक, महाकाल को राखी बांधने के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। महिलाएं और बहनें बाबा का मंगल गान कर रही उन्हें बांधती है राखियां, महाकाल के प्रसाद से भी खोलती है व्रत, इसके बाद परिवार के भाइयों को बांधी जाती है राखी। महाकालेश्वर में महाकाल को चढ़ाया गया 125,000 लड्डुओं का महाभोग, भस्म आरती के बाद सुबह दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को बांटा जाता है प्रसाद। रक्षाबंधन पर पुजारी परिवार की महिलाएं महाकाल को अर्पित करती हैं 125,000 लड्डू का महाभोग, 45 लोग 4 दिन में इन लड्डुओं को करते हैं तैयार। रक्षाबंधन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में मधुर ध्वनि के साथ बाबा महाकाल की पूजा, भोलेनाथ के भजनों के से सरोवर हुआ महाकाल का दरबार। बाबा के भक्तों ने भजन कीर्तन से बांधा समा, बैंड बाजे और गीतों पर झूमते नजर आए महाकाल के भक्त। रक्षाबंधन के मौके पर करीब 600 बहनों ने भाई को बांधी 551 फीट की राखी, 25 साल से पान की गुमटी वाले भैया को सैकड़ों बहनें बांध रही हैं राखी। इस पावन पर्व पर बहनों ने निकाली शोभा यात्रा, भाई की लंबी उम्र की कामना की, भाई ने भी बहनों को रक्षा का वचन दिया। बहनों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए राखी बंधवाने के लिए लगाया जाता है विशाल टेंट, करीब 1 महीने में बनकर तैयार हुई विशाल राखी। भोले की नगरी काशी में रक्षाबंधन पर बाजारों में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के केक्स की बड़ी डिमांड, बेकरी की दुकानों पर जमकर हो रही है खरीदारी। केक्स पर विक्रम लैंडर और मिशन सन आदित्य L1 को दिखाया गया, इस पावन पर्व पर भाइयों का चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के केक से मुंह मीठा कर रही है बहनें। शिमला में इको फ्रेंडली राखी के जरिए महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, हिमाचल ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लगाए गए राखी के स्टॉल्स। इको फ्रेंडली राखियां महिलाओं की आजीविका का भी बन रही हैं स्रोत, सैकड़ों महिलाओं को मिल रहा है रोजगार, बन रही हैं आत्मनिर्भर। प्रयागराज में हरियाली गुरु ने अनोखे तरीके से मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, पेड़ों को राखी बांधकर लिया उनके सुरक्षा का संकल्प। फतेहपुर शेखावटी में हिंडोल उत्सव का आयोजन, आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के झूलोत्सव को लेकर मंदिर की रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट। श्री लक्ष्मीनाथ महाराज का फूलों से किया गया भव्य श्रृंगार, वृंदावन के कलाकारों ने फूलों से और महाकाल की विशेष झांकी सजाई। श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली बच्चियों ने सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी, जवानों ने बच्चियों के साथ खिंचवाई फोटो। सांबा में बीएसएफ जवानों की कलाइयों पर स्कूली बच्चियों ने बांधी राखी, राखी बंधवाते वक्त भावुक हुए जवान। जम्मू कश्मीर के उरी में स्थानीय लोगों ने मनाया रक्षाबंधन, सेना के जवानों को बांधी राखी। बिहार के मनेर में रक्षाबंधन के बीच देशभक्ति का रंग, जवानों को बांधी राखी, जवानों ने आशीर्वाद स्वरूप दिया रक्षा का वचन। औरैया में यूपी रोडवेज की बसों में रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा करने वाली बहनों ने सरकार का जताया आभार, सरकार के इस कदम की जमकर सराहना की।
उदयपुर के बालिका उद्यान में बच्चियों ने पेड़ों को बांधी राखियां, बच्चियों ने इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। रांची में रक्षाबंधन की दिखी रौनक, राखी खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ी महिलाओं की भीड़। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, एनडीए और एनडीआर किसी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं। एनडीए और एनडीआर गठबंधन गरीब विरोधी जातिवादी सांप्रदायिक धरना स्ट्रेट समर्थ पार्टियां, इनसे गठबंधन का सवाल ही नहीं। मायावती ने कहा कोई अफवाह नहीं फैलाए, चार विधानसभा और लोकसभा में अकेले चुनाव में उतरेगी बीएसपी। सूत्रों के हवाले से खबर, इंडिया गठबंधन ने अकाली दल को गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। चीन के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बेतुका दावा, दूसरों की जमीन को बता रहे हैं अपनी। राहुल गांधी का चीन के मैप को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल, कहा यह बेहद गंभीर मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा चीन ने हमारी जमीन ले ली है, ये लद्दाख के लोग भी कह रहे हैं, पीएम दे जवाब। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। कर्नाटक के दौरे पर जा रहे राहुल गांधी, मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में जनसभा। कर्नाटक में आज गृहलक्ष्मी स्कीम लॉन्च करेगी राज्य सरकार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किए थे 5 चुनावी वादे, उनमें से एक है गृहलक्ष्मी योजना। गृहलक्ष्मी योजना के लिए 1,10,00,000 महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, परिवार की महिला प्रमुख को मिलेंगे हर महीने 2,000 रूपये। कावेरी जल विवाद पर सियासत, कांग्रेस विधायक रवि कुमार ने कहा किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता पानी, किसानों ने मुझे दिया है वोट। शिवसेना के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने प्राइवेट छोटे सभी हेलीकॉप्टर्स की कर ली है एडवांस बुकिंग। सामना में आरोप, विपक्षी दलों को प्रचार से रोकने के लिए अभी से हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग कर रही है सरकार।